श्रावण कौन, आज हम लोग आए हुए हैं इधर रेलवे स्टेशन जो गोलड़ा में है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जगह ये? जगह जी बहुत बेहतरीन है, गोलड़ा शिव स्टेशन। मैं खुद जिंदगी में फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहले एक ही बार आया हूँ और ट्रेन में सफ़र मैंने एक ही बार किया। तूने कितनी बार किया भाई? मैंने ट्रेन में 3 मरतबा किया लाहौर जाने का। मैं सरगोधा से इधर आया था। नहीं मैं इस तरफ से कभी नहीं गया, मैं पिंडी से गया था लाहौर। हाँ इस साइड से कभी भी नहीं गया। और यहाँ म्यूजियम देखने आए थे लेकिन म्यूजियम की टाइमिंग बंद हो गया, 5 बजे बंद हो गया। और अभी बज रहे हैं 5:10 हो गए, 5:20 बस, यहाँ इन्होंने म्यूजियम भी बंद कर दिया। पुरानी सी मशीन भी खड़ी हुई है और किस चीज़ की है ये जी? वजन उठाने वाली है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, वेट कैपेसिटी इसकी है जी? 5000 कुछ है, 5000 से ऊपर ये वजन उठाती है। और ये मैनुअली है, मतलब इसे हाथ से चलाते थे लोग और अब तो ये बस शो पीस के लिए रह गई है। हाँ तो हम आपको चलाने के लिए तो नहीं है, बस ये एक रह गई है। शामिर किधर चला गया? और यार ये मैं चला रहा था, ये भाई इसके लिए जोर चाहिए होता है भाई, यहाँ में इतना जोर नहीं है, इससे ज़्यादा की नहीं चाहिए। इसे हिल भी नहीं रही है मशीन, तो नीचे आ जा। बेहतर ये है कि यहाँ पे रेस्ट करो। नहीं नीचे आ जा, रेस्ट ना करो। मौसम बहुत मज़े का हुआ है, ये हवा चल रही है। बहुत पुराने दरख्त लगे हैं इधर तो। ये तकरीबन कितने पुराने? ये तकरीबन डेढ़ दो तीन 100 साल पुराने हैं। बरगद का पेड़ कहते हैं, काफ़ी अरसा पुराना होता है। हाँ और अक्सर लोगों की बातें बनी है इसके नीचे जिन भूत वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत जगह है। ये पीछे म्यूजियम है जिसके लिए आए थे, लेकिन ये वाला दिखाना ज़रूरी है। ये वाले, ये मैंने पिछली बार नहीं था, ये जो इन्होंने शेड सब बनाया है ना, ये फूलों से, ये जो कौन सा पौधा है लेकिन ये अच्छा बना हुआ है। और ये इसका म्यूजियम, अभी ये है इसका म्यूजियम, लेकिन अभी तो इन्होंने ताला लगा हुआ है। अंदर से नज़र तो आ रहा है पूरा, वो इनकी गन्स पड़ी हुई है, ये बुक पड़ी हुई है अंग्रेज़ों की और फोन पड़े हुए हैं और अंग्रेज़ों के दौर के और कजादम साहब की भी चीज़ हैं। हाँ और भी बनी कुछ चीज़ें। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद सलमान सरवर जो पाकिस्तान रेलवे में होते हैं और ASM गोलड़ा शरीफ। अब ASM क्या है? ASM मीन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अच्छा ये कब की बनी हुई है ये जो है? अच्छा आई एम मिस्टर मोहम्मद सलमान ASM एट गोलड़ा स्टेशन। अच्छा इस स्टेशन की जो तारीख है वो 1881 में ये बिल्ड हुआ था स्टेशन, और ये जो स्टेशन था ये जो स्पेशल ये गोलड़ा शरीफ जो दरबार है इनकी जो ये ज़मीन है ये उन्हीं की तरफ से अलाट की गई थी स्टेशन के लिए, और उनकी रिक्वेस्ट पे ये स्टेशन बनाया गया था क्योंकि उनके मुरीदैन वगैरह उनका आमदरफ्त काफ़ी था तो उनके लिए मुश्किल पेश आती थी, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना ये गवर्नमेंट से उस टाइम की जो है ना रिक्वेस्ट की थी, तो ये स्टेशन एक्चुअली उनकी रिक्वेस्ट पर बनाया गया था। दूसरा इस स्टेशन की जो है तकरीबन 6-7 लाइन्स हैं जो कि एक साइड पे स्टेशन के एक साइड पे जो है ना ये जाती है आपको हवेलियाँ साइड पे, और एक साइड पे इसका रावलपिंडी स्टेशन है, रावलपिंडी इसका जो स्टार्टिंग स्टेशन कह लें, और ये अप टू ट्रेन जाती हैं जी हवेलियाँ, और दूसरी साइड पे इसकी ब्रांच लाइन है जो कि आगे मुल्तान थ्रू फतेह जंग और मियाँ वाली और आगे अप टू मुल्तान तक जो है ना ये वाली लाइन जाती हैं। और इसके अंदर स्पेशल चीज़ क्या है? अच्छा और यहाँ पर जो इसकी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारे जो पुराने इंजन हैं जो कि और कुछ जो है ना सलूनस हैं जो कि कायदे आज़म के भी यूज़ में थी और कुछ जो है ना अंग्रेज़ दौर की जो यूज़ में थी वो काफ़ी पुरानी जो है यहाँ पे खड़ी हैं और लोग आते हैं इनको देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये म्यूज़ियम है
जिसमें हमारी रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे की, इवन के एशिया जो था रेलवे जिस टाइम, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो निकलाता था उस टाइम की जो है ना पुरानी चीज़ें जो रेलवे के यूज़ में थी वो पड़ी हुई हैं इस म्यूज़ियम में। और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं वो ज़्यादातर ये म्यूज़ियम की वजह से आते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम की एक तारीख है, क्योंकि रेलवे की आपको तारीख बताती है जो म्यूज़ियम में है। हम भी इसीलिए आए थे म्यूज़ियम देखने। लेकिन ये सैलून क्या चीज़ है, मतलब पीछे मैं देख रहा था सैलून एक जगह लिखा होता है। जी हाँ, ये सैलून जो होती है वो VIP होती है, VIP लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कायद अजम थे VIP थे, तो उनके लिए जो है ना एक प्रॉपर मसलन एक स्पेशल बंदे के लिए जो है, जैसे हमारे जो है ना VIP जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर सैलून होती है, जिसमें आपकी प्रॉपर जो है ना रेस्ट का भी इंतज़ाम होता है, खाने पीने का, डाइनिंग टेबल, बाथरूम, वो सिर्फ सिंगल बंदे के लिए बनाई जाती है। और यहाँ दिन में कितनी ट्रेन आती हैं? यहाँ पे तकरीबन जो है ना 23-24 ट्रेन जो है ना डेली की अंदर अब है इनकी, जिसमें से तकरीबन 17-18 जो है वो पैसेंजर ट्रेन हैं, जो दिन में से तकरीबन 6 ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है। एक 2 ट्रेन हैं जो क्वार्ट, जिनका क्वार्ट से आना जाना है, एक ट्रेन आती है और एक जाती है क्वार्ट, और 2 ट्रेन आपको मुल्तान जाती हैं, और 2 ट्रेन हैं जो हवेलियाँ जाती हैं उनका स्टॉपेज यहाँ पे। और अभी कब आएगी यहाँ ट्रेन? ये अभी आ गई तकरीबन 7:30 तक एक ट्रेन आएगी जो कि हवेलियाँ से आएगी, और एक ट्रेन आएगी आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक पहुँच जाएगी, जो कि मुल्तान से आएगी, और ये जाएंगी जी पिंडी तक। इनका जो लास्ट स्टॉप होगा वो रावलपिंडी स्टेशन। यहाँ पे सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो दिखाता हूँ, क्या चीज़ है और लगता है पानी नहीं निकल रहा। ये अकेले बंदे के लिए दो बनो उसके दो बनो आगे भी जागे। हाथ ले आओ, ये भी म्यूजियम ही है 1872। इसमें सामान आता था, सामान पड़ा है। अभी कोयले वाली ट्रेन आ गई है, ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ आ गया यहाँ से, इसके आगे लाइट बहुत बड़ी लगी हुई है, सारा सिस्टम है पूरा। अभी नज़र नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, बंद करते प्रॉपर सिस्टम है इसका। लेकिन अब ये चलती तो नहीं है। ये वो ट्रेन है। कौन सी है? ये वो ट्रेन है जिसके बारे में पीर मिश्रा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे फरमाते होते थे कि अपने आप को भी चला के अंदर से तो ये मुसाफिर को उसके मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये वही इंजन है पुराने पाकिस्तान के जो अंग्रेज़ों के दौर के हैं, आप लोग देख सकते हैं बाकायदा। ये बस यहाँ खड़ी हुई, ये चलाते तो नहीं है क्योंकि आप दूसरी ट्रेन है। ये अभी अंदर है, हैंडल लगा हुआ प्रॉब्लम। तो नया वाला म्यूजियम है ये, जिसकी ख्वाजा साद रफीक ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, ये पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम। अभी ये बंद है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमारी वापसी ये इसके घर से कॉलें आ रही हैं, शामीर के 4 कॉलें आ गई हैं। और झूठ के बोला कि हम F10 बैठे हुए हैं। अभी हैं किधर वैसे? और हम गुड़ला स्टेशन पे आए हुए हैं, बोला F10 क्या एक इतना ही सफ़र है? नहीं यार, F10 का ज़्यादा है, वो F10 का कम है इधर का बहुत ज़्यादा। हाँ इधर का ज़्यादा, इधर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ रोड भी अच्छी है, तो मैच चल रहा है। और जब भी यहाँ आना हो तो 11 बजे से लेके 5 बजे तक, क्योंकि म्यूज़ियम उसी टाइम खुला होता है, तो हम लोगों को नहीं पता था, तो हम लोग 5 बजे से लेट आए हैं। शामीर नहीं लेट कराया, मैंने नहीं लेट कराया, तो खुद लेट आया। नहीं भाई मैं टाइम पर पहुँचा था, यह इसके घर पहुँच गया था, फिर इसने 5 मिनट लगाए, मैं केक खा रहा था। हाँ तो बस 5 बजे से पहले आए करें।